स्वागत है गाइस हमारे एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों मैं इस फोटो को आपको आयरन मैन फोटो बना के दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस फोटो को आपको लाइटरूम में शेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपने फोटो को लाइटरूम में शेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने फोटो को लाइटरूम में शेयर किया और ये देखिए दोस्तों डायरेक्ट आपको अपना लाइटरूम को ओपन करना है। तो ये मैं अपने लाइटरूम को ओपन करता हूँ और यहाँ से दोस्तों हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो इस पर आपको क्या करना होगा कि एक प्रीसेट यूज करना पड़ेगा जो कि मैं प्रीसेट आपको यूज करके बता देता हूँ मैं इस प्रीसेट को यूज कैसे करता हूँ। तो ये देख सकते हो ये मेरा प्रीसेट हो गया एंड आपको यहाँ से थ्री डॉट पे जाके इसको क्या करना है कि कॉपी सेटिंग करना है। ये वाला आपको कॉपी सेटिंग करना है। यहाँ से दोस्तों ये तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको सही करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोटो पर चले जाना है। तो मैं अपने फ़ोटो पर आ चुका हूँ और यहाँ से फिर से मैंने यहाँ से दोस्तों थ्री डॉट पे जाकर यहाँ पे मैंने टच किया और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से हमको पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर हमको टच करना होगा दोस्तों। एक ही बार में हमारा फेस भी बनेगा और बैकग्राउंड भी बनेगा दोस्तों, देख सकते हो। तो इस पर आपको क्या करना होगा कि दोस्तों आपको कलर पे जाना है और कलर पे जाने के बाद दोस्तों मिक्स पे जाना है। मिक्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको ये जो येलो वाला है इसको पूरा क्या करना होगा कि कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये बीच वाला सिचुएशन जो दिया है इसको आपको पूरा कम करना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों इस पर आपको जाना है, इसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना होगा दोस्तों, देख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको फ़ोटो को सेव कर लेना होगा। ये देखिए ये आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा फ़ोटो सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मेरा फ़ोटो सेव हो गया, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम अपने डाटा को ओपन करेंगे और इसके बाद दोस्तों आपको फोटो रूम में जाना होगा दोस्तों फ़ोटो का कटआउट करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ फ़ोटो रूम का यूज कैसे करते हैं दोस्तों। ये मेरा फ़ोटो रूम गया, ये आपका प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देख ओपन करते ही हमारा कुछ स्टेप से आ जाएगा होम स्क्रीन पर। तो इसके बाद यहाँ से तो स्टार्ट रूम फोटो पर हमको टच करना है और यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा फ़ोटो फर्स्ट में आपको दिखाएगा फ़ोटो और ये यहाँ से दोस्तों ऑटोमेटिक कटआउट हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हो यहाँ से दोस्तों ये जो तीन नंबर वाला है ना, ये वाला जो ब्लैक के बाद है दोस्तों, इसको आपको टच करना होगा और टच करने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। ये देखिए ये मैंने फ़ोटो को सेव किया, सेव करते ही दोस्तों हमारा फ़ोटो गैलरी में आ चुका है। तो मैं आपको गैलरी को ओपन करके दिखाता हूँ हमारा फ़ोटो कैसा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो आ चुका है। तो ये मेरा फ़ोटो कटआउट होकर आ चुका है, आप देख सकते हो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा हार्ड दिख रहा है दोस्तों। तो इसके बाद क्या करना होगा कि आपको अपना पी कार्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं अपने पी कार्ड को ओपन करता हूँ। तो ओपन करते ही दोस्तों हमारे होम स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से आ जाएंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ से दोस्तों आपको ऐड फोटो करना है, यहाँ से दोस्तों एडिट ए फोटो पर टच करना है और टच करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोटो सारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अपने बैकग्राउंड को लेना है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ से मैंने अपने बैकग्राउंड को लिया दोस्तों, ये देख सकते हो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, इसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको ऐड फोटो पर जाना है, ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से दोस्तों अपने फ़ोटो को ऐड करना है कुछ इस टाइप से, देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने फ़ोटो को कुछ इस टाइप से ऐड किया, ठीक है। इतना आपको ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि यहाँ से दोस्तों आपको ये फ़ोटो रूम का लोगो है इसको आपको मिटा देना होगा। ये मैंने इसको मिटाया एंड अपने फ़ोटो को और ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा किया कुछ इस टाइप से, और इसको मैंने यहाँ से सही किया। इसके बाद दोस्तों आपको ऐड फोटो में जाना है और ऐड फोटो में जाने के बाद अपने हाथों में आयरन मैन की हैंड को लगाना है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको कुछ इस टाइप से इसको लगाना है, मैं आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमारा आयरन मैन का हैंड लग चुका है। तो देख तो फोटो हमारा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। इसके बाद हमको यहाँ से फोटो को सेव कर लेना है। फ़ोटो सेव करते ही दोस्तों हमको अपना गैलरी को ओपन करना है दोस्तों। तो मैं आपको गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ।
और इतना करने के बाद दोस्तों इस फोटो को हमको ले जाना होगा दोस्तों स्नैपसीड में। तो इसके बाद क्या करूँगा मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ से हमारा फोटो आ चुका है, तो इसके बाद इस फोटो को हम शेयर करेंगे दोस्तों स्नैपसीड में। इसके बाद आपको टूल्स पे जाना है और यहाँ से सिलेक्टिव पर टच करना है दोस्तों, और अपने फोटो को जूम करना है, और जहाँ पर भी अंधेरा होगा वहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइप से दोनों हाथों से आपको करना है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे ब्राइटनेस बढ़ाना है और सिचुएशन को थोड़ा सा लो करना है, और यहाँ पर भी सेम वैसा ही करेंगे जहाँ जहाँ पर अंधेरा होगा कुछ इस टाइप से दोस्तों। और यहाँ पर हमारा लाइटिंग आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर भी अंधेरा है, तो यहाँ पर मैं उसी टाइप से करता हूँ कुछ। देख सकते हो फोटो काफी ज्यादा कमाल की दिखने लगी है, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों अपने पैरों पर हमको सेम वैसे ही करना है ताकि हमारे पैरों में लाइट आ सके और पैर हमारा काफी ज्यादा कमाल के दिख सके। तो ये देखिए इतने दोस्तों करने के बाद दोस्तों फोटो काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है, देख सकते हो आप पहले कैसा था अब कैसा है। इसके बाद दोस्तों फिर से हमको यहाँ पर लाइट देना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ब्लैक दिख रहा है हमारा, और इसको हमको कट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कितना ज़्यादा कमाल की मैंने लाइट को दे दिया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने फोटो को क्या करेंगे कि ये डीटीएस पर टिप को और यहाँ से सरपेनिंग को थोड़ा सा नीचे वाला को थोड़ा सा बस हाई करना है हमको, ठीक है। हाई करने के बाद दोस्तों यहाँ से फोटो को डाउन कर देना है, यहाँ से फोटो हमारा सेव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ नंबर दिखा रहे हैं, और इतना होने के बाद दोस्तों ये मेरा फोटो हो चुका है। इसको हम शेयर करेंगे ऑटोडेस्क में स्मूथ के लिए, ठीक है। और फोटो को हमने ऑटोडेस्क में शेयर कर दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हमको ये वाला पेंसिल लेना है। मैं आपको पेंसिल को दिखा देता हूँ, ये वाला पेंसिल लेना है और आपको इतना सेटिंग रखना है, ठीक है। सेटिंग आप देख लीजिए, सेटिंग आपको बिल्कुल इतना ही रखना है। इसके बाद अपने फोटो को जूम करना है दोस्तों, और यहाँ पर अब यहाँ से दोस्तों टच करके अपने साइज को थोड़ा सा छोटा करना है, और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको स्मूथ करना है दोस्तों, इस टाइप से गोल गोल करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ इस टाइप से करना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। आपको मैं पूरा करके दिखा देता हूँ मैं कैसे करता हूँ स्मूथ, बस थोड़ा थोड़ा करता हूँ दोस्तों। देखिए तो इससे फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल की दिखती है, और यहाँ पर मैंने कुछ भी उसी टाइप से किया, और देख सकते हो फोटो बहुत ही मस्त दिख रहा है। और यहाँ पर नाकों को एकदम अच्छे से कर देता हूँ स्मूथ ताकि ये लगे कि एकदम खतरनाक है हमारा फेस। तो इतना करने के बाद दोस्तों देख सकते हो फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल की दिखने लगी है, ये देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। इतना होने के बाद दोस्तों अपने कानों को थोड़ा थोड़ा बस कर देना है स्मूथ। इसके दोस्तों यहाँ पर साइज को बढ़ाना है, और साइज कुछ इस टाइप से गोल गोल करके आपको स्मूथ करना है। और ये जो काला वाला है यहाँ से दोस्तों हम इधर से थोड़ा सा खींचेंगे ऊपर से, तो ये हमारा काला वाला है थोड़ा थोड़ा हट जाएगा, देख सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, जब तक वीडियो फोटो स्मूथ हो रहा है तब तक आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमारा हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा हम ऐसे ही स्मूथ कर लेते हैं, और अपने पैरों को भी वैसे ही स्मूथ करेंगे जैसे मैंने फेस को किया, ये देखिए ये हमारा पैर भी स्मूथ हो चुका है। तो ये पैर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर इसको थोड़ा थोड़ा बस ऐसे रगड़ देंगे, और हमारा ये भी हो जाएगा। इतना होने के बाद दोस्तों हमको क्या करेंगे कि इस फोटो को सेव कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ से दोस्तों सेव का ऑप्शन आएगा, सेव टू ड्राइव, यहाँ से सेव करेंगे और हमारा फोटो गैलरी में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे कि काफ़ी सारे बंदों को जो है लड़कों सबको लाइट मिला नहीं है, तो लाइटिंग में फ़ोटो एडिट करने के बाद स्मूथ करने के बाद, तो मैं आपको एक ही बार में बता दूंगा, इसमें आपको ज़्यादा लाइट मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी गैलरी को ओपन किया, और आप देख सकते हो ये मेरा फ़ोटो हो गया। तो मैं इस फोटो को डायरेक्ट शेयर करता हूँ लाइट रूम में, और यहाँ से दोस्तों मैंने लाइट में फ़ोटो शेयर कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऊपर में फ़ोटो आ चुका है, तो इसको मैं टच करूँगा और हमारा डायरेक्ट लाइट रूम ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों लाइट रूम ओपन होने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोटो फर्स्ट ही में ऊपर आएगा। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करो कि लाइट वगैरह कलर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको एक ही बार में बताऊँगा, ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या है कि यहाँ से बैक जाना होगा, और मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिंक पर मैंने जो प्रीसेट दिया है उसको आपको
लाइटू में शेयर कर लेना होगा। और वहाँ से दोस्तों लाइटू में क्या करना होगा कि यहाँ पर 3 डॉट पे जाकर आपको यहाँ से कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको ये तीनों को सेलेक्ट करना होगा और अपने फ़ोटो पर ले जाकर दोस्तों सिंपल तरीके से 3 डॉट पे जाकर यहाँ पर पेस्टेड सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसको आपको टच करना होगा। आपका फ़ोटो एक ही बार में दोस्तों बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हो फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल की बन चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस टाइप का आयरन मैन वाला फ़ोटो बना सके काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से। तो यहाँ से दोस्तों हम अपने फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। और हमारा फोटो सेव हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।